मोहसिन साहब, बहुत अच्छी आपने यहाँ पर बात कही, इतने सारे आपने विकास की बात गिनाई और वो विकास दिख भी रहा है कि जब गरीब के पास तक आपकी योजनाएं पहुंच रही है तो उसमें किसी धर्म को नहीं देखा जा रहा, लेकिन उसके बावजूद जब बात होती है तब भी मुस्लिम किस बात से डरते हैं, क्यों आपके पास तक नहीं आते, आपकी पार्टी के पास तक? मुस्लिम बिल्कुल नहीं डरते हैं। मुस्लिम को डराने का काम गैर मुस्लिम जो तुष्टिकरण और अपने परिवारवाद की राजनीति करते हैं उन्होंने डरा कर रखा है। देश में कभी कोई मुसलमान डरा नहीं, क्योंकि देश हित में मुसलमानों ने काम किया। और ऐसे ही एपीजे कलाम साहब नहीं थे जो मिसाइल मैन कहलाए हमारे देश के, ऐसे ही हमारे पास तमाम और नेता आप उठाकर देखें तो बड़ी फहरिस्त है। फ्रंटियर गांधी कौन थे? फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिनको भारत रत्न का अवार्ड मिला। जैसे बिस्मिल्ला खान उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जहां से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, भारत रत्न का उनको अवार्ड मिला। तो आप ये जो लोग डराते थे, जो निजी स्वार्थों की राजनीति करते थे, और उनकी राजनीति का बुनियाद क्या है, उनकी जो पार्टी की बुनियाद है हम ले जाना चाहते हैं वहां पर, जिन्होंने डराने का काम किया है वो लोग थे कि जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय हमारे श्रद्धालु कार सेवक अयोध्या जा रहे थे। अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, किसी भी हिंदू का अधिकार है जो प्रभु श्री राम में आस्था रखता है वो जाएगा। उसको रोका गया, रोकते में जब वो नहीं रुका तो गोली चलवा दी गई। तो आपने आस्था और उसकी भावनाओं को भी आहत करने का काम किया। फिर आपको लगा कि हम तो बड़े मुसलमानों के हितैषी हो गए, तो मुसलमानों के हितैषी थोड़ी हुए थे। आपने तो एक भाई को हमारे मार दिया और हमको खुश कर दिया, क्योंकि हमको अशिक्षित रखा था आपने, हमको शिक्षा से दूर रखा था। हमारे हाथ में तो आपने दीनी पढ़ाई दी थी, दुनियावी पढ़ाई तो मैं जानता नहीं था, इसलिए ना मेरे पास डॉक्टर थे, ना इंजीनियर थे, ना मैं समझदार था। मुझे तो लगता था कि भाई यही हमारे बड़े मसीहा हैं, क्योंकि इन्होंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया कि परिंदा पर नहीं मारेगा, अगर मारने गया तो हमने गोली मार दी। तो गोली मारकर इंसानी जाने लेने के बाद अगर किसी ने अपनी पार्टी की स्थापना की, वो उत्तर प्रदेश में बनी समाजवादी पार्टी। तो दुर्भाग्य तो इस बात का है ना कि जिन लोगों ने इंसानी जानों को लेने के बाद अपनी पार्टी की स्थापना की हो वो क्या किसी का कल्याण करेंगे।